सीएम रमन सिंह को हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए नहीं बुलाया गया है और इस पर कांग्रेस ने तंज कसना भी शुरू कर दिया है। कांग्रेस कह रही है कि छत्तीसगढ़ की करारी हार के बाद दिल्ली दरबार में रमन सिंह का रुतबा घट गया है। इसी का नतीजा है कि उन्हें हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारक नहीं बनाया गया। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह वर्तमान में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और इसके बावजूद सूची में उनका नाम नहीं है, जबकि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया को स्टार प्रचारक में जगह दी गई है। वहीं छत्तीसगढ़ से सरोज पांडे को भी स्टार प्रचारकों में स्थान मिला है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी ने कहा है, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह की दिल्ली में पूछ परख कम नहीं हुई है। प्रदेश में एक के बाद एक कई चुनाव है, पहले दंतेवाड़ा, अब चित्रकूट उपचुनाव की प्रक्रिया जारी है, इसके बाद नगरी निकाय का चुनाव और फिर पंचायत चुनाव होना है। इसी को देखते हुए रमन सिंह को बाहर नहीं भेजा जा रहा है। देखिए, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तो हैं और हमारे छत्तीसगढ़ के 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, इस नाते यहां भी उनकी उपयोगिता है। अभी नगरी निकाय का चुनाव हो चाहे उपचुनाव चित्रकूट में भी जाने वाले हैं, ये तो कुल मिलाकर अपने प्रदेश में के नेता हैं तो सब जगह उनको जाना भी चाहिए, उनमें आपत्ति इस बात पर क्यों है भाई? महिला एवं बाल विकास मंत्री